स्टूडेंट्स, रिलेशन के टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, लेट ए इज इक्वल्स टू, ए सेट है वो गिवन है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है 3, 5। नेक्स्ट बी इज इक्वल्स टू, बी सेट के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास है 7, 11। शो दैट रिलेशन आर इज गिवन बाई आर इज इक्वल्स टू, आर जो रिलेशन हमारे पास गिवन है उसके लिए कह रहा है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए माइनस बी इज ए ऑड, ए माइनस बी इज ए ऑड। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो इज एन एम्पटी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये हमारे पास क्या होगा, एम्पटी रिलेशन होगा। और जो रिलेशन की कंडीशन है वो आप लोग देख पा रहे हो कि ए माइनस बी इज ए ऑड, ये हमारे पास इस रिलेशन की मेन कंडीशन है। तो ए बिलोंग्स टू ए अगर कह रहा है तो ए की जो वैल्यू, स्मॉल ए की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे 3 और 5 ले सकते हैं। स्मॉल बी की जो वैल्यूज है वो हम क्या ले सकते हैं, 7 और 11। तो ए माइनस बी, मैं फर्स्ट में 3 के साथ 7 का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 3 माइनस 7 है जो कि आपके पास रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। जबकि ये क्या कह रहा है हमारे पास, किसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो आप कह सकते हो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ओड। और अगर ये ओड नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 3, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नेक्स्ट ऐसे ही 3 के साथ 11 का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ से भी हमारा जो रिजल्ट है वो इवन आ रहा है, और इवन आ रहा है तो नॉट इक्वल्स टू ओड, ओड नहीं आ रहा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3, 11 नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही हम 3 के बाद 5 का यूज़ करेंगे तो 5 और 7 को लेंगे तो यहाँ से भी हमारा रिजल्ट इवन आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, ओड नहीं आ रहा, और ओड के इक्वल नहीं आ रहा। तो यहाँ भी मैं इसको कह सकता हूँ 5, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही 5 को 11 के साथ यूज़ करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट इवन आ रहा है, ओड नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल्स टू ओड है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 5, 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से ए और बी से अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास टोटल है वो 4 पेयर बनते हैं, 3, 7, 3, 11, 5, 7 और 5, 11। इनमें से आपने देखा किसी का भी डिफरेंस है वो क्या नहीं आ रहा, ओड नहीं आ रहा, ओड नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो आर है उसके अंदर क्या नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। और जिस सेट के अंदर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है तो वो सेट क्या होता है, एम्पटी सेट होता है। ऐसे ही रिलेशन के अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना तो यहाँ से R इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, 5। और हम यहाँ से कह देंगे हैंस R इज एन एम्पटी रिलेशन, आर इज एन एम्पटी रिलेशन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज में केवल एक सिंगल क्वेश्चन एक ऐसा है जहाँ पे आपसे एम्पटी रिलेशन है वो प्रूव करवा रहा है। तो अब वो एम्पटी रिलेशन की जो डेफिनेशन थी वो भी शायद क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड के लिए बढ़ते हैं आगे। और सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इफ आर इज ए रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए, ए जो सेट आपके पास गिवन है उसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, और बी सेट के जो एलिमेंट्स हमारे पास है 1, 4 और 5। राइट डाउन द एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। ये एक प्लस वन का क्वेश्चन है आपके पास कि केवल रिलेशन और उसका इनवर्स राइट करवा रहा है। तो रिलेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, ये कह रहा है लेस देन फ्रॉम ए टू बी। तो आप यहाँ से आर को ऐसे लिख सकते हो, आर इज इक्वल्स टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, ए लेस देन बी। क्या कह रहा है ये, लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो ए लेस देन ए बी। यहाँ से हम लोग रिलेशन फाइंड कर देंगे तो आर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ ए सेट से 1 को लीजिए, 1 है वो बी के किस किस एलिमेंट से लेस है, किस किस एलिमेंट से छोटा है। तो आप देख पा रहे हो कि 1 है वो बी सेट के 4 और 5 से लेस है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा क्या, 1, 4 और 1, 5।
ऐसे ही नेक्स्ट एलिमेंट टू लेंगे हम, टू किस किस से लेस है, टू भी फोर और फाइव से लेस है, तो टू फोर और नेक्स्ट बन जाएगा टू फाइव। ऐसे ही मैं अगर आगे बढ़ता हूँ तो थ्री को लेते हैं, तो थ्री भी किस किस से लेस है, फोर से और फाइव से, तो थ्री फोर और थ्री फाइव। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ तो फोर, फोर है वो किस से लेस है, ओनली फाइव से, तो क्या आ जाएगा फोर फाइव। नेक्स्ट फाइव, फाइव किसी से लेस है ही नहीं क्योंकि वो तो फाइव के इक्वल है, तो यहाँ से नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आएगा। तो आर इज इक्वल्स टू वन फोर वन फाइव टू फोर टू फाइव थ्री फोर और थ्री फाइव और फोर फाइव। ऐसे ही अब आपसे ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड आर इनवर्स, आर इनवर्स बताना है, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उनके एलिमेंट्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। वन फोर है तो क्या बन जाएगा फोर वन, वन फाइव है तो फाइव वन, और टू फोर है तो फोर टू, और नेक्स्ट हमारे पास बन गया फाइव टू, थ्री फोर है तो फोर थ्री, और हमारे पास थ्री फाइव है तो फाइव थ्री बन जाएगा, और फोर फाइव है तो फोर, मतलब फाइव है फोर बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो गया, जहाँ आर और आर इनवर्स से फाइंड करवा रहा है। और ये अच्छे से आपने देख लिया होगा कि प्लस वन में अगर हमने काम सही किया हुआ है तो किसी प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लमें नहीं आने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो मेन इस पूरी एक्सरसाइज का या इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो काम है वो आपका स्टार्ट हो रहा है। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ए सेट है वो अपने पास गिवन है और जिसके एलिमेंट्स गिवन है वन टू थ्री फोर, और साथ ही साथ रिलेशन आर गिवन है, आर की कोई डेफिनेशन गिवन नहीं है, रिलेशन के एलिमेंट्स ही गिवन है हमारे पास वन 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 टू 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 थ्री, और इसके बाद अपने पास है भाई थ्री थ्री फोर फोर, थ्री थ्री फोर फोर, ये हमारे पास आर गिवन है। ये कह रहा है इज़ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ए ट्रांजिटिव, तो आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले आप फर्स्ट में यहाँ लिखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फॉर ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ए बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमारे पास ये है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, तो रिलेटेड टू इट्स सेल्फ के लिए हमें काम करना है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ए सेट में एलिमेंट्स क्या क्या है, वन टू थ्री फोर, तो हमारे रिलेशन में वन वन होना चाहिए, टू टू होना चाहिए, थ्री थ्री होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या हो फोर फोर होना चाहिए, और वो हम लोग देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से इसमें लिख दोगे वन वन बिलोंग्स टू आर, टू टू बिलोंग्स टू आर, थ्री थ्री बिलोंग्स टू आर, और नेक्स्ट हम चेक कर पा रहे हैं कि फोर फोर बिलोंग्स टू आर। ए सेट के अकॉर्डिंग अपने पास वन टू थ्री फोर एलिमेंट थे, वन वन भी आर को बिलोंग कर रहा है, ये रहा वन वन, टू टू भी आर को बिलोंग कर रहा है, थ्री थ्री भी आर को बिलोंग कर रहा है, और फोर फोर है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। तो आप यहाँ से इसमें लिख सकते हो ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारे पास प्रूव हो गया है कि आर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि ए बी बिलोंग्स टू आर, वन जो ऑर्डर्ड पेयर है वो तो हमें रिलेशन से ही लेके चलना है। अब यहाँ तो क्वेश्चन में साफ गिवन है हमारे पास कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो नॉट वाले के अंदर तो हर हाल में हमें एक एग्जांपल देना होगा, ट्रू है तो वहाँ पे हम डायरेक्ट उस पेयर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले चेक कीजिए
सेम में तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेम वाले में तो हमारे पास रिवर्स करेंगे तो सेम बनेगा और उसको बिलोंग करेगा। डिफरेंट वाले की बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले इसमें देख पा रहा हूँ कि हमारे पास एलिमेंट 1 2 है, 1 2 का रिवर्स करेंगे तो क्या इसमें 2 1 है? कहीं कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है तो यहीं पे हम लोग यहाँ लिख देंगे लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 2 तो आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 है वो किसको बिलोंग नहीं कर रहा, आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि इट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ से अगर आप लोग 1 2 के अलावा अगर और भी यूज़ करना चाहते हो तो आप देख सकते हो 1 2 के अलावा डिफरेंट हमारे पास इसमें क्या है 2 3 है, हम 2 3 का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 3 का अगर यूज़ करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि 3 2 है वो इसमें नहीं है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 2 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसके बेस पे भी हम लोग कह सकते हैं आर इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप इसके आती है वो है भाई क्या, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग काम करेंगे और ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन ये कहती है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से जब नोट के लिए तो क्वेश्चन में पहले ही प्रूव करवा रहा है तो रिजल्ट का तो हमें पता है कि नोट का तो बनेगा ही, तो यहाँ से पहले हम लोग अच्छे से ध्यान करें। अगर 1 2 का हम यूज़ करना चाहें तो 1 2 के साथ 2 2 और 2 3 के अपने पास 2 ऑप्शंस है। क्या है भाई, हमारे पास 1 2 के साथ 2 3 और 2 2 के 2 ऑप्शन है, और इन 2 ऑप्शंस में से अगर 1 2 के साथ 2 2 लेते हैं तो 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, एससी तो बिलोंग करेगा, लेकिन हमें तो वो ढूंढना है जो नोट में रिजल्ट हो। तो 1 2 के साथ अगर मैं यहाँ पे आपसे कह दूँ कि हम 2 3 ले लें तो वहाँ से 1 3 बनेगा और 1 3 इस रिलेशन में है नहीं, तो आप यहाँ से लिखोगे लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। ये 2 पेयर तो हर हाल में जो रिलेशन की डेफिनेशन है या रिलेशन है उसके एलिमेंट्स गिवन हो तो वहीं से लिखना है हमें। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। यहाँ से अब हमें चेक करना है कि 1 3, अब 1 3 देखिए क्या आपका इसमें बिलोंग कर रहा है, 1 3 इसमें कहीं भी नहीं है, और नहीं है तो यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आप लिख दोगे इसके बारे में ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए सेट, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या आ गया हमारे पास है, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 से कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे काम कर रहे हैं। ऐसा ही हमें इस कंप्लीट एक्सरसाइज में आगे काम करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे तो इसमें कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। सेट 1 2 3 कह रहा है तो लेट सेट ए इज इक्वल्स टू, ए के जो एलिमेंट्स है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, इसको ए अज्यूम कर लिया 1 2 3, और आर है वो हमारे पास अब की बार जो गिवन है वो किसके इक्वल है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, और इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो इसमें गिवन है भाई 1 2 और 2 3।
1, 2 और 2, 3। अब की बार ये कह रहा है शो दैट इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो थर्ड क्वेश्चन में थी आपके पास। यहाँ इस क्वेश्चन का हिंट मैं आपको बता देता हूँ, आगे सवाल आपको खुद करना है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आती है तो रिफ्लेक्सिव में देखिए 1, 2, 3 अगर ए सेट में एलिमेंट्स है तो 1, 1 भी इसमें है, 2, 2 भी इसमें है और 3, 3 भी इसमें। तो आप लोग लिख देंगे 1, 1 बिलोंग्स टू आर, 2, 2 बिलोंग्स टू आर और 3, 3 बिलोंग्स टू आर। तो आपका आर है वो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात आती है तो सिमेट्रिक में आप लोग यहाँ से यूज कीजिए 1, 2 को। 1, 2 लेते हो तो 2, 1 इसमें कहीं भी नहीं है, तो 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव की बात आती है तो आप लोग 1, 2 और 2, 3 को यूज कर दो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 1, 2 और 2, 3 लेते हैं तो 1, 3 बनता है। अब 1, 3 इसमें कहीं है ही नहीं, तो आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन के टाइप का बिल्कुल सेम है जो कि आप लोगों को खुद करना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये कह रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। यहाँ भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स है तो मैं यहाँ भी लेट ए, ए से अज्यूम कर लूँगा अगर सेट का कोई नेम गिवन नहीं है तो, जिसके एलिमेंट्स है वो अपने पास है 1, 2, 3। आर इज इक्वल्स टू, अब की बार जो आर है वो आपके पास गिवन है 1, 2 और 2, 1, 1, 2 और 2, 1। और यहाँ से आपसे क्या कह रहा है, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ये कह रहा है कि केवल ये सिमेट्रिक होगा, ये ना रिफ्लेक्सिव होगा और ना ये ट्रांजिटिव होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए काम कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले फॉर ए बिलोंग्स टू ए। आप सबसे पहले देखिए ए सेट में एलिमेंट 1, 2, 3 है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए और 3, 3 भी होना चाहिए, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, किसी भी एक को लिख दो आप, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर 1, 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा तो आप लोग क्या कह सकते हो, ए ए नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के बाद नेक्स्ट मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं। सिमेट्रिक वाले के अंदर आप यहां पे या तो 1, 2 का पेयर ले सकते हो या 2, 1 का ले सकते हो। अगर 1, 2 का लेते हो तो 2, 1 का आ जाता है, और 2, 1 का लेते हो तो 1, 2 का, इससे बाहर हम ले ही नहीं सकते। कभी कोई बच्चा दिमाग में ये बात ले रहा हो, कभी ये सोच रहा हो कि हम लोग यहाँ से 1, 3 ले लें, जो रिलेशन में है उसी रिलेशन से ही हमें यहाँ पे रिजल्ट लेना है। तो आप लोग यहाँ दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो, जैसे लेट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज 2, 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आप लिख दोगे ए बी बिलोंग्स टू आर, That implies BA belongs to R, for all AB belongs to A. तो आप कह सकते हो R is symmetric relation. तो आपके पास यहाँ से नेक्स्ट ट्रांजिटिव की बात आती है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रांजिटिव में आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो 1, 2 या 2, 1, दोनों ही लेने हमें। तो 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. अब ये तो ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए सी को चेक करना है, तो ए सी बना क्या हमारे पास 1, 1, तो 1, 1 does not belongs to R. और 1, 1 अगर R को belong नहीं कर रहा तो यहाँ से क्या लिख दोगे आप, ए बी belongs to R and बी सी belongs to R, but ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो देयर फॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन।
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ है, वो कंप्लीट हो गया, जहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव के लिए अब अच्छे से पता लग गया होगा क्या होना चाहिए। यहाँ आप लोग वन वन का भी एग्जाम्पल दे सकते हो, टू टू का भी कह सकते हो, थ्री थ्री का। ये तो तीनों नहीं है, अगर इनमें से कोई एक पेयर भी नहीं होता तो भी नॉट रिफ्लेक्सिव ही रहता हमारा रिलेशन। ऐसे ही सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए काम करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, जहाँ पे सिक्स में भी एलिमेंट गिवन है। सिक्स के बाद तो जो क्वेश्चन है उनमें एलिमेंट गिवन नहीं है, तो आप फिफ्थ के साथ साथ सिक्स क्वेश्चन है उस पर भी खुद ट्राई करोगे। बाकी कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के सिक्स क्वेश्चन से कंटिन्यू काम करवा दूँ।